तो हाय वेलकम इन टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू मेक कलर्स एट होम विद थ्री मेथड्स, जो कि बहुत आसान होने वाले हैं। एंड अगर आपके पास कुछ है नहीं सामान, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है, हल्दी नहीं है, या फिर आपके पास अगर स्केच पेंस नहीं है, तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ हल्दी के साथ, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। एंड अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो पूरा नेक्स्ट स्टेप्स और उसके नेक्स्ट स्टेप जो मेथड मैं बता रही हूँ वो भी देख लें। सो इसमें आपको सबसे पहले डालनी है हल्दी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ली थी, अ पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक। एंड अब हमने इसे मिक्स करना है। जो इसमें अगर आपके पास फूड कलर या फिर स्केच पेंस नहीं है तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। मेथड ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है, 100% वर्किंग है एंड काफ़ी काम का भी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्लू भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा स्टिकी बनेगा। एंड पर मैंने इसके अंदर नहीं डाली है, इसलिए मेरा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा है। एंड नेक्स्ट मेथड है, उसके लिए आपको फूड कलर चाहिए। सो अगर आपके पास हल्दी, अगर आपके पास फूड कलर है तो ये ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत जो मेन मेथड वर्किंग है, सबसे ज़्यादा वर्किंग यही वाला मेथड है। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हो तीनों मेथड्स, बट जो मैंने अपने ट्राई करके देखा अभी तक, सो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वर्किंग मेथड सिर्फ ये वाला है। सो उसमें मैं ब्लू कलर डालने वाली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे खोल रही हूँ एंड मैं अभी इसे ओपन कर रही हूँ। सो अब हम इसमें डालेंगे एंड जैसे कि देख सकते हैं मैं डालने की ट्राई कर रही हूँ। एंड सो अब मैं इसके अंदर ब्लू कलर डालने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ। और ये अभी डल गया, जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर डल चुका है। एंड अब मैं इसे ढंग से मिक्स करूँगी, पहले मैं इसके अंदर पूरा डाल दूँगी। एंड आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कलर्स, तो एंड जो फूड कलर वाले कलर्स आप बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्किंग होते हैं, इंक्लूडिंग टर्मरिक वाले भी इतने ज़्यादा वर्किंग नहीं होते हैं, स्केच पेन वाले भी, लेकिन फूड कलर वाले ज़्यादा वर्किंग होते हैं बिकॉज उसमें केमिकल्स मिले होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ढंग से मिक्स कर लिया एंड देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये मेथड भी 100% वर्किंग है। और तीसरा मेथड जो है वो है कि अब आपको इसके अंदर स्केच पेन यूज़ करने, इसमें आपको बताती हूँ आपको कैसे यूज़ करने, अगर आपके पास टर्मिक या फिर ये नहीं है फूड कलर, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। और आपको पेंटिंग का भी शौक है तो ज़रूर यूज़ करें, तीनों मेथड यूज़ करें। सो अब आपको इसे ढंग से मिक्स करना, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। एंड कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने पर्पल स्केच यूज़ किया, आप चाहे तो कोई भी स्केच यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई कलर काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम क्लियर कलर आया है। आप चाहें तो सबके अंदर एक बार ग्लू ट्राई करके देख सकते हैं, इसके अंदर तो स्पेशली अगर आप ग्लू यूज़ करेंगे तो कलर काफ़ी अच्छा बनेगा, लेकिन मैं विदाउट ग्लू बना रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू के साथ भी ट्राई कर सकते हैं एंड कमेंट कीजिएगा फिर उसके बाद कि आपका वर्किंग कैसा रहा। और जिसके आप देख सकते हैं ये भी बन के रेडी है। आप चाहें तो इसे ब्रश से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है बिकॉज स्केच पेन से काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो चुका है, सो आई डोंट थिंक तो किसकी कोई नीड है। सो हमारे थर्ड मेथड्स जो कि यहाँ बन के एकदम तैयार हैं। एंड मैंने एक मेथड दोबारा से ट्राई किया, ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है।